मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में और साथ ही में लाइपोमा को दूर करने के लिए आपको बताऊंगी 4 बहुत अच्छी होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन, जिनके हेल्प के थ्रू आप अपने लाइपोमा की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको एक लाइपोमा है या एक से ज्यादा लाइपोमा की प्रॉब्लम है तो भी आप इन मेडिसिन को यूज करिए, और जब आप यूज करेंगे इन मेडिसिन को तो आपको अपनी लाइपोमा की प्रॉब्लम से बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। ये जानते हैं लाइपोमा होता क्या है। लाइपोमा एक तरह की गांठ होती है, मीन्स की जो छोटे छोटे लम्स होते हैं फैटी टिश्यू के, मीन्स की ये लिपिड के एक छोटी छोटी सी आप कह सकते हैं कि एक सैक होते हैं, उसके अंदर जो है लिपिड भरा होता है। और ये कहाँ पर होते हैं, आपकी स्किन के नीचे और मसल्स के बीच में होते हैं, मींस कि आपको अपनी त्वचा के ऊपर ये उभरे हुए महसूस होंगे। लाइपोमा मींस अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो लाइपो मतलब लिपिड और ओमा मींस ट्यूमर, मींस जो लिपिड के छोटे छोटे से ट्यूमर होते हैं, और ये बिनाइन टाइप के ट्यूमर होते हैं, बहुत स्लोली डेवलप होते हैं ये, मींस की जो ये बॉडी में जो इनकी ग्रोथ होती है बहुत धीरे धीरे होती है, एकदम से ये नहीं बनते हैं, और ये बिनाइन टाइप के होते हैं, मींस की कैंसरस नहीं होते हैं। अगर आप इनको छूते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मींस मुलायम महसूस होंगे और साथ ही रबरी कंसिस्टेंसी के होंगे, जैसे कि रबर को आप छूते हैं, और जहां पर भी ये उभरे होंगे अगर आप उस पार्ट को छूते हैं या वहां प्रेशर देते हैं तो ये अपनी प्लेस से थोड़े से मूव हो सकते हैं, और ये बॉडी में एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपकी आर्म्स पे पाए जाते हैं, मीन्स आपके हाथों में मिलेंगे आपको देखने को, आपके ट्रंक एरिए पे मीन्स आपके फ्रंट चेस्ट वगैरह पे भी आपको देखने को मिलेंगे, आपकी बैक में पीठ में देखने को मिल सकते हैं, पैरों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइट्स होती हैं लाइपोमा होने की, और लाइपोमा जो है बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पेशेंट्स में, और साइज जो है वो भी इनकी वेरिएबल होती है, वे छोटे छोटे राउंड और ओवल शेप के आपको देखने को मिलेंगे, और ये इनकी साइज जो है हर पर्सन में अलग अलग होती है, कभी कभी बहुत बड़े लाइपोमा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपको इनिशियल स्टेज पे महसूस होने लगी है ग्रोथ तो आप इंस्टेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, आपको तुरंत जो है रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसके कॉज क्या होते हैं, क्यों डेवलप होने लगते हैं बॉडी में, तो इनका मेनली जो फैक्टर होता है वो हेरिडिटी फैक्टर होता है, मीन्स की अनुवांशिक, अगर आपके पेरेंट साइड में आपके जो है आपके माता पिता या फिर आपकी फैमिली मेंबर में किसी को पहले हुआ है लाइपोमा या टेंडेंसी रही है लाइपोमा होने की, तो आप में भी कहीं ना कहीं चांसेस होंगे आगे चल के ये आपको भी डेवलप हो सकता है। तो हेरिडिटी कॉज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड, ये जो बहुत ज्यादा फेटी लोग होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, उनमें भी ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अननोन कॉज है, मीन्स की वो क्यों हो जा रहे हैं लाइपोमा वो आप नहीं कह सकते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लाइपोमा के टाइप्स कितने होते हैं, तो एंजियोलाइपोमा, फाइब्रोलाइपोमा, कन्वेंशनल हिवरनोमा, माइलोलाइपोमा, स्पिंडल सेल लाइपोमा एटसेट्रा, तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो अगर आपको लाइपोमा हो गया है, लाइपोमा में जो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया है, इनके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उन मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फ्लोर 3x या 3x या 6x, किसी में भी आप इसको ले सकते हैं, ये 3x और 6x की पावर होती है। कैल्केरिया फ्लोर लेकर आए आप, और हमेशा जो भी है आप सील पैक वाली ही मेडिसिन यूज करें और अच्छी कंपनी की यूज करें। मैं आपको ये बात हमेशा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप कभी कभी मेडिसिन तो लेते हैं अच्छी, बट अगर उसकी कंपनी अच्छी नहीं है जो है रिजल्ट्स मिलने में काफी देर लगती है, इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ वीडियोस में कि आप अच्छी कंपनी की ही यूज करें, जैसे कि मेडिसिन हो गई, SPL हो गई, रैकवेग, जर्मन की कंपनी आप यूज करें। कैल्केरिया फ्लोर 3x है, इसकी आपको 4-4 टैबलेट लेनी है, दिन में 3 बार ये मुंह में डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगी। डायरेक्टली लेना है अपने मुंह में, और मॉर्निंग, नून और नाइट में लेना है। हमारी सेकेंड मेडिसिन है फेलटाउरी 3x। फेलटाउरी 3x जो है वो भी आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी, और इसकी आपको 2 टैबलेट लेनी, क्योंकि इसकी साइज जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, तो आपको इसको केवल 2 लेना है, और दिन में 2 बार, मीन्स की 2 टैबलेट दिन में 2 बार आप सुबह शाम ले सकते हैं। हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है थूजा 200। थूजा जो होती है किसी भी आउटग्रोथ के लिए या इनर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको इस मेडिसिन की भी 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्ट अपनी टंग पे, दिन में 3 बार। और हमारी फोर्थ मेडिसिन है REPL 70 नोड्यूल्स। REPL कंपनी की आती है 70 नंबर में, ये नोड्यूल्स के नाम से आपको एक पेटेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया पेटेंट है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन की भी आपको 10 से 15 बूंद लेनी है, आधे कप गुनगुना पानी लें आप, उसमें इसकी 10 से 15 बूंद लें, और इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, रात।
जब आप इन मेडिसिन्स को लेंगे रेगुलरली तो आपको कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे। आपकी जो गांठें हैं वो धीरे धीरे साइज उनकी कम होती जाएगी और कुछ तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगी। और जब आप इनको एटलीस्ट 3 मंथ तक तो लीजिए, तब तक अगर आपके सबसाइड हो जाते हैं, सारी गांठ गायब हो जाती हैं, तो आप केवल थूजा 200 को वीक में एक बार लीजिएगा, बाकी मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा। और अगर 3 महीने में आपकी कुछ कम हो गई है या फिर अभी नहीं गई है पूरे तरीके से, आपको बहुत सारे हैं और वो पूरे तरीके से नहीं खत्म हुए हैं, तो आप इसको एज इट इज कंटिन्यू करिए। आज का वीडियो था मेरा लाइपोमा के ऊपर और उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और साथ में शेयर करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।